नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। आज मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि हमारे आरोग्य जीवन यात्रा के 500 एपिसोड आज पूरे हो रहे हैं। लगातार हमने बिना रुके एक भी दिन को ब्रेक किए बिना बहुत ऐसे कम मौके आए हैं जिसमें हमने एपिसोड तैयार न किया हो। पूरा कोरोना काल हमारा ये आरोग्य जीवन यात्रा में ही चला। शुरू के जो 200 वीडियो थे वो हमने गुजराती में बनाए थे और 200 से लेके आज का 500, ये पूरे 300 वीडियो हमने हिंदी में बनाए हैं। मेरी आरोग्य जीवन यात्रा आपको लगता होगा कि ये कैसे कर रहे हैं, तो ऐसे 500 एपिसोड तक मैं ऐसे नहीं पहुंचा हूं। मेरे पीछे मेरे एक काम करने की मुझे जो शक्ति मिली है उसके पीछे हमारे जो गुरु ये है, देवता है, और अभी हमारे बीच में रह के काम करने वाले कई लोगों की प्रेरणा से ये मैं कर रहा हूं। तो हमारे जीवन में इन सब लोगों का योगदान है। उन लोगों की जो बातें बताई थी वो बातें का मतलब हमने समझने का प्रयत्न किया है। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने भगवद गीता लिखी है, भगवद गीता में योग के बारे में उन्होंने एक अद्भुत बात बताई है। ये बोलते हैं योगः कर्मसु कौशलम्, यानी कि आप जो काम करते हो उसमें कुशलता प्राप्त करो, इससे बड़ा कोई योग नहीं है। तो योग शास्त्रों में ये सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बता दी। भगवद गीता दुनिया के कई यूनिवर्सिटियों में, जहां हिंदू धर्म है नहीं, मेजोरिटी पब्लिक क्रिश्चियन लोगों की है, फिर भी कई यूनिवर्सिटियों में भगवद गीता को जीवन कैसे जिया जाए, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, जीवन के उद्देश्य क्या होने चाहिए, उसके ऊपर नियम अनुसार भगवद गीता का अभ्यास करवाया जाता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। भगवद गीता हिंदुओं के लिए नहीं है, दुनिया के सारे व्यक्तियों जो सामाजिक प्राणी है उन सबके लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी संप्रदाय का हो, उससे धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम की त्याग की भावनाएं, अपने पूरे राज को छोड़ के एक माँ और बाप की इच्छा के अनुसार राजपाट छोड़ के जंगल में चले जाना। गांधी जी, उन्होंने देश के अंदर बिना शस्त्र हमारे देश को आजादी दिलवाई, वो गांधी जी की आत्मकथा पढ़ने लायक है। वो बोलते थे कि मेरा जीवन ही मेरा उद्देश्य है, मेरा संदेश है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। वो जो काम करते थे, उनके साथ काम करने वाले लोगों के साथ भी हमको उनके साथ जो लोगों ने काम किया था, उन लोगों ने कैसे कैसे काम किए वो भी हमको समझने का मौका मिला है। गांधी आश्रम, गांधी आश्रम में एक आश्रम के पास सफाई विद्यालय है। ये सफाई विद्यालय का काम है कि हम जो टॉयलेट करते हैं, मल निकालते हैं, तो पहले के जमाने में मल ऐसे खुले में जाके करने का होता था, या जो लोग पैसे वाले थे, राजा महाराजा थे, वो लोग अपने घर में पायखाना रखते थे, तो उसका जो मल निकलता था वो समाज के जो पिछड़े लोग थे वो लोग उसको इकट्ठा करते थे और गांव से बाहर दूर फेंकने के लिए जाते थे। तो ये इतनी खराब हालत थी कि जातिवाद, ऊंच नीच का भेद, वो भारत जब स्वतंत्र हुआ इससे पहले बहुत पराकाष्ठा पे था। ये गंदा काम पिछली जाति को करना पड़ता था, तो इन लोगों को इससे मुक्त करवाने के लिए गांधी जी ने ईश्वर भाई पटेल को ये जिम्मेदारी दी कि तुमको ये
सारा काम करना है, लोगों को इससे मुक्त करना है। तो ये सफाई विद्यालय ये ईश्वर भाई पटेल की देन है। उन्होंने पूरे देश के अंदर टॉयलेट कैसे क्लीन रखे जाए, टॉयलेट की डिजाइन कैसी होनी चाहिए, उसमें से उसके कैसे फायदे ले सकते हो, कैसे खाद बना सकते हो, शॉक पिट खार कुआ कैसे बनाया जाए, तो ये सारी ट्रेनिंग और लोगों को एक गंदी चीज माथे पे लेने से मुक्त करवाने का काम इन लोगों ने किया है। हमको हम लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने काम पे लगवाया था। तो गांधी जी की एक बात पे लोगों ने अपना जीवन अच्छे कामों के लिए, समाज के लिए उन्होंने रख दिया था। तो इन लोगों की बातें सुन के ऐसा लगता है कि भी कोई व्यक्ति कोई चीज बोले कि भी ये करने की जरूरत है तो इसके पीछे लग जाना ही मनुष्य का धर्म होना चाहिए। हमारे जीवन में दादा भगवान डॉक्टर नीरूमेन और दीपक भाई जिनका मेरे लेक्चर में दादा भगवान का फोटो मेरे पीछे ही रहता है, तो उनकी बातें से भी काफी नया सीखने को मिल गया हमको कि भी आत्मा परमात्मा है, आप आत्मा स्वरूप हो, आप आपका शरीर और आपके आत्मा को अलग महसूस करो, उनका उसका उनका ज्ञान विधि होता है, उन लोगों का ज्ञान भी हमने लिया है। तो नीरूमा के हाथों हम तो ज्ञान नहीं ले पाए थे, लेकिन दीपक भाई के हाथों हम ज्ञान ले पाए थे। और कल ही दादा दरबार होता है यहाँ अडालज त्रिमंदिर में, तो कल ही मुझे दीपक भाई को रूबरू मुलाकात करने का अवसर मिल गया, और वो मुलाकात के समय मेरी जो योगाहार की बुक है वो भी उनको देने का अवसर कल सद्भाग्य से उनको मिल गया। तो इन लोगों का ये संप्रदाय नहीं बोल सकते, कोई धर्म नहीं बोल सकते, लेकिन मनुष्य को अपने आत्मा को पहचानने की एक ज्ञान विधि वो देते हैं। तो वहां से भी हमको काफी हमारे बारे में, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे फैमिली के साथ जो प्रश्न होते हैं तो उसको कैसे समाधान किया जाए, ये सब बातें उनके वहां से हमको सीखने मिले। रजनीश को कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये तो सेक्सुअल व्यक्ति था, ऐसा था, लोगों को भड़का रहा था, ऐसा नहीं है। जितने पुस्तक थे शायद रजनीश ने लिखे हैं, इतने शायद कोई धर्म गुरु ने नहीं लिखे हैं। उनकी बातें एकदम नीट एंड क्लीन, चाहे सामने वाले को गलत लगे या नहीं, लेकिन वो स्पष्ट वक्ता थे। उनको भी सुनने के बाद कई बार हमको ऐसा लगता था कि संप्रदाय वाले कितने जिद्दी होते हैं, अपनी ही बातें को सही करवा के लोगों को उसकाते हैं और अपनी ओर खींचते रखते हैं। तो ये सत्य बोलने वाले लोगों ने भी हमको ये काफी हमारे जीवन में चेंज लाए हैं। और सबसे बड़ा कड़वा सत्य बोलने वाले तरुण सागर को तो भूल नहीं सकते। जैन धर्म भगवान महावीर को पब्लिक तक, गांव-गांव और शहरी तक पहुंचाने का काम तरुण सागर ने किया है। कई जैन लोग उनको अपने गुरु मानते नहीं है, लेकिन क्योंकि उनकी बातें सच्ची थी, कड़वी थी, तो कड़वी बातें सुनके कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे धर्म की विरुद्ध की बात कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी एक बात मुझे बहुत इफेक्ट कर गई थी। वो कहते थे कि 500 साल के बाद हर मंदिर को तोड़ देना चाहिए और 1000 साल के बाद हर धर्म को नए सर से समय के हिसाब से उनके नीति नियमों में चेंज लाना चाहिए। ये बात उनकी अद्भुत थी, लेकिन आज उनके ही धर्म वाले शायद उसको स्वीकृत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो परंपरा चलती आती है, उसमें से बाहर देखने की ताकत नहीं है, बाहर जाने का रास्ता सोचने की भी हिम्मत कई लोगों को नहीं होती है। तो तरुण सागर वो सत्य, कड़वे सत्य बोलते थे और वो अद्भुत वक्ता थे। तो उनको भी हमने सुना है, उनकी भी बातें सुन के हमारे जीवन में कई परिवर्तन आए हैं। नरेंद्र मोदी साहब को तो भूल नहीं सकते। उनकी भी एक अच्छी बात यही थी, वो बार बार कहते हैं कुछ बनने के लिए मत करो, कुछ करने के लिए करो।
आपको आपके जीवन में कुछ बनने के लिए, कोई भी आपको जो भी काम करना है, कुछ बनने के लिए नहीं करना है, कुछ करने के लिए, आपके हाथों कुछ हो जाए उसके लिए काम करते रहो। ये बात भी उनकी अद्भुत थी, पर उन्होंने करके दिखाया। गुजरात में जब तक रहे तब तक गुजरात का कायापलट कर दिया है उन्होंने। लोगों को पता नहीं है कि उन्होंने कैसे काम किए हैं। जब गुजरात छोड़ के बाहर के राज्य में जाओ और वहां की हालत देखो, तब पता चलेगा कि गुजरात में उन्होंने क्या-क्या करके दिया है। तो ये पॉलिटिकल नहीं है बातें, उनकी कामगिरी, उनकी कामगिरी को मनमोहन सिंह भी स्वीकृत करते थे कि ये अच्छे काम कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी, ये उनसे भी काफी बातें हमको सीखने की मिल रही है। और हमारे योग गुरु है रामदेव, रामदेव ने हमको योग सिखाया। हम भले पर्सनली उनके सामने बैठ के नहीं सीखे हैं, लेकिन उनको भी देख के, उनकी बातें सुन के, उनकी जो आवाज है वो इतनी ताकत वाली है कि किसी व्यक्ति को उठा दे और उनको योग करने के लिए प्रेरित कर ले। तो बाबा रामदेव को भी नहीं भूल सकते हैं। सच्ची योग की व्याख्या हमको लकुलिश योग यूनिवर्सिटी के स्थापक राजर्षि मुनि के वहां से हमको सीखने को मिली है। मैं लकुलिश योग यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूँ, वहां से मैंने योग की पढ़ाई की है। तो हमने बाबा रामदेव से योग सीखा, सही योग की व्याख्या, योग के शास्त्रों जो थे वो पढ़ने का मौका हमको लकुलिश योग यूनिवर्सिटी से मिला। फिर बीवी चौहान भी हमारे गुरु ही है, उन्होंने नई भोजन प्रथा यानी कि न्यू डाइट सिस्टम, उनके ऊपर वो लेक्चर दे रहे हैं अभी, वो उनकी कामगिरी कर रहे हैं, तो उनसे भी हमको काफी बातें सीखने की मिली। तो उनकी बातें को भी हमने स्वीकृत कर लिया। अकेला योग सब कुछ नहीं कर सकता है, आहार भी इतना ही जरूरी है, तो वो भी हमको यहाँ उनके पास से सीखने को मिला। उनकी अभी बातें और हमारी बातें में थोड़ा चेंज है, लेकिन जो मॉडिफिकेशन है वो तो जीवन का मंत्र होना चाहिए। चेंज तो रहता ही नहीं, होना ही रहना चाहिए। ये पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया परिवर्तनशील है। 5 साल पहले आप जो सोचते थे आज वो नहीं सोच रहे हो, तो क्यों आपके जीवन में चेंज आ रहा है? तो ये सब बदलता रहेगा। आज मैं बोल रहा हूँ या 1 साल के बाद उसमें कुछ नया भी हो सकता है, क्योंकि कोई नई बात मेरे ध्यान में आएगा कि भी मैं ये बात बताता तो इसमें गलती थी। तो जब गलती पता चल जाती है तो उसको बदल देना हर मनुष्य की जिम्मेदारी है, और स्वीकार कर लेना चाहिए भी मैं बोलता था तो ये मेरी गलती थी, ये नई चीज है वो सही है, रिजल्ट देती है, तो उसको स्वीकार कर लो। हम पहले पुराने मोबाइल यूज करते थे, अब नए मोबाइल ये एंड्रॉइड वाले और आईफोन वाले आ गए, तो उसको पकड़ लिया, क्यों वो अच्छा काम कर रहे हैं पुराने के हिसाब से। तो हम जब मोबाइल को चेंज कर सकते हैं, गाड़ी नई ले सकते हैं, नया फर्नीचर मकान में करवा सकते हैं, तो हमारे जो सोच होते हैं वो जब पुराने होते हैं ना तो वो काम के नहीं रहते हैं, तो सोच को भी बदलना जरूरी है। तो बीवी चौहान भी हमारे जीवन में आ गए, अब हमारे जीवन में परिवर्तन लाने में जो कोई रोल है तो वो है गुजरात राज्य योग बोर्ड के चेयरमैन शिषपाल जी। शिषपाल जी राजपूत वो गुजरात के नहीं है, फिर भी गुजरात के पतंजलि के प्रभारी बाबा रामदेव ने उनको बनाया था, और उनका काम देखते गुजरात सरकार ने उनको गुजरात राज्य योग बोर्ड के चेयरमैन बनाए। वो काम से बनाए हैं, उनके नेटिव से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने जन्म लिया था अयोध्या में, अयोध्या के पास, और फिर उनके कर्म यहाँ आ गए, द्वारका में आके बस गए। तो आप कहाँ के हो वो जरूरी नहीं है, आप क्या कर रहे हो वो महत्व का है। और हमारी, मेरी ये आरोग्य जीवन यात्रा को सबसे कोई ज्यादा सपोर्ट दिया है तो वो है सीरम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट दिनेश भाई पटेल। वो आधा दिन ही अपनी फैक्ट्री पे जाते हैं और दोपहर के बाद वो सेंटर पे आ जाता है। उन्होंने अपने खुद के पैसे लगा के जगह ले ली बड़ी, और वहाँ ये एनडीएस योगा सेंटर हमारा शाहीबाग का चालू करवाया। इससे पहले योगा में यहाँ गांधीनगर से अहमदाबाद जाके, हम जब पतंजलि के साथ काम करते थे गांधीनगर में, तो यहाँ गांधीनगर से मैं अहमदाबाद जाके योग सिखाने का काम करता था ये दिनेश भाई और सब लोगों को। तो करीब 10 साल पहले मैंने योग यात्रा शुरू की थी,
योग सिखाना चालू की थी, आज हमारे शाहीबाग के इलाके में करीब 25 से ज्यादा सेंटर परमानेंट चलते हैं, जहां साल के हर दिन योगा होता है। कई लोग हमारे हाथ तैयार हो चुके हैं और लोग योगा कराते रहते हैं, और नए नए लोग भी इसमें साथ जुड़े रहते हैं। तो दिनेश भाई ने हमको सपोर्ट किया, इसीलिए हम ये आरोग्य जीवन यात्रा चालू कर पाए और हमको ये मौका मिला है आप लोगों तक पहुंचाने का। तो हमारे जीवन में सब लोगों का बदलाव, उन लोगों का महत्व है, उन लोगों ने हमको कोई ना कोई जगह हमको हमारे माइंड को हमारे विचारों को चेंज लाने में मदद की है। तो हम इन लोगों के ऋणी है, ये सब हमारे फैमिली मेंबर्स तो है ही, क्योंकि मैंने करीब 45 साल की उम्र से मैंने पैसा कमाने का छोड़ दिया है, तो आज मेरा उम्र 55 होने आई है। तो ये 10 साल से मैं काम धंधा छोड़ दिया है, मुझे रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो चुकी है। तो बस उसके पीछे मैंने ये आरोग्य के पीछे मैंने काम चालू कर लिया। तो मेरी फैमिली, मेरी धर्म पत्नी ने भी मुझे एक काम करने के लिए छूट दी कि भी पैसा ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, लोगों का जीवन, हमारा अपना जीवन जितना तंदुरुस्त वही बड़ा होना चाहिए, वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो उनका सपोर्ट भी हमको मिला है, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। उनकी जगह दूसरी कोई पत्नी होती तो वो पैसे के ही लिए बोलती कि भाई नहीं, आपका तो अभी जवान हो, आप पैसा कमा सकते हो, आप तो इंजीनियर हो, और इंजीनियर तो हर महीने 1 लाख कमा सकता है, 2 लाख कमा सकता है, 5 लाख कमा सकता है। तो उसको छोड़ के संतोष रखा और हमारे जीवन में शांति रहे और हमारा जीवन लोगों के लिए कुछ उपयोग में आए, उसकी ये काम करने की छूट दी। तो वो भी ये हमारे ये आरोग्य जीवन यात्रा के पीछे उनका भी सपोर्ट है, इसके अलावा हम नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा सपोर्ट तो आप लोगों का है, क्योंकि आप लोग हमको सुनते हैं और हमारी बातें आपको अच्छी लगती है, तभी हमको आपके साथ बातें करते रहने का इंटरेस्ट जगता है। तो ये सब लोगों का ये हमारी आरोग्य जीवन यात्रा के पीछे कोई ना कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उन लोगों का रोल है। ये भगवान श्री कृष्ण हमको तो मिले नहीं है, लेकिन उनकी भगवद गीता, उनकी बातें तो हमने सुनी है, उनकी बातें सुन के भी हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, इसीलिए तो हम ये काम कर रहे हैं। तो ये सर धर्म वाले, संप्रदाय वाले, जो जो अच्छे लोग हमारे देश में हो चुके हैं, उन सबों की हम सब इन सब की बातें सुन सुन के हमारे जीवन में हम ये चेंज ला पाए हैं। आपको ऐसा कभी नहीं रखना है कि मेरा गुरु यही है और ये बोले, यही को ही पकड़ के रखना है। जो लोग अच्छी और सच्ची कड़वी भी बातें बोलेंगे तो उसको सुनना पड़ेगा, और सुनोगे तभी आपके जीवन में आप आगे बढ़ पाओगे। तो जैसा मेरा जीवन परिवर्तन आया है, वैसे ही आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है, आप भी कुछ कर सकते हो। लेकिन सेवा का उद्देश्य पहले होना चाहिए, पैसे का उद्देश्य बाद में होना चाहिए। जब पैसे के पीछे आप भागोगे तो आप वही सोचते रहोगे, और सेवा के उद्देश्य से करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके हिसाब से ही काम करता रहेगा। तो आरोग्य जीवन यात्रा के पीछे इन सब लोगों का हाथ है, उसके लिए मैं इन सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। पतंजलि के शिष्यपाल जी अब तो गुजरात राज्य योग बोर्ड के चेयरमैन हो चुके हैं, तो उन्होंने भी हमारी योगाहार की बातें सुन के उन्होंने उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने करीब गुजरात में 50,000 से ज्यादा योग टीचर्स तैयार कर लिए हैं, और वो टीचर्स को भी योगाहार का नॉलेज मिले, इसके लिए उन लोगों की जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है टीचर्स की, तो उसमें भी हमारा एक एक घंटे का लेक्चर वो रखते हैं। तो वो भी अच्छी बातें को स्वीकार करने के स्वभाव वाले हैं। सच्ची बात है तो स्वीकारो, जहां से अच्छा परिणाम मिले, जल्दी लोगों को रोग मुक्त कर पाए हम, तो वो क्यों ना करे। तो ये सारी अच्छी बातें को स्वीकृत करना, कई बार कई लोग बोलते हैं साहब आप तो ये चीज के लिए भी बोलते हैं, इसके लिए भी बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है, हम किसी का विरोधी नहीं है, किसी का सपोर्टर नहीं है। जहां से फायदा आपको मिल जाए वो सब कीजिए,
आपको योग करके आप आपके शरीर को ठीक रख सकते हो तो उत्तम ही है। फिर आप हमारी एनडीए सिस्टम पे ही रहो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी भी हाल पे आप अच्छे रहो, शरीर ठीक रहना चाहिए, निरोगी रहना चाहिए। ये हमारा पहले प्राइम उद्देश्य होना चाहिए, पहला मुख्य उद्देश्य रहना चाहिए। चाहे उसके लिए आप कोई भी सिस्टम को अपनाओ, आप योग करो, एक्सरसाइज करो, जिम करो, आहार के ऊपर ध्यान रखो, एनडीएस करो, योगाहार करो, कुछ भी करो, लेकिन शरीर में रोग नहीं रहना चाहिए। ये आपको तय करना है, आपको कौन से रास्ते से जाना है। आगे जो भी धर्म गुरुओं का, नेताओं का, सबका बातें सुनी हमने, लेकिन एक सबसे ज्यादा हमको इम्प्रेस करने वाले एक दूसरे संत भी है जो सतश्री के नाम से जाने जाते हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय के संत हैं। जैसे तरुण सागर महाराज जैन समाज के थे, लेकिन वो सारे धर्म की बातें करते थे, सबका अच्छा स्वीकार करते थे, लोगों को बताते थे, इसी तरह इस सतश्री जो स्वामीनारायण संप्रदाय के हैं, फिर भी वो सारे धर्म को मान देते हैं और उनकी बातें में बहुत अद्भुत बातें होती है। उनकी बातें भी हमारे जीवन में काफी इंप्रेसिव है, उनसे भी हम काफी बातें सुनते हैं। तो ये 500 एपिसोड पूरा होने के समय के टाइम ही ये सतश्री महाराज के स्वामी जी का दर्शन करने का मौका मिल गया और हमारी योगाहार पुस्तक को भी उनको देने का मौका हमको मिल गया। तो ये आप भी दर्शन कर लीजिए। अब 500 एपिसोड हो चुके हैं हमारे, तो आज एक शुभ संदेश भी आपको देना चाहूंगा मेरी ओर से कि आरोग्य जीवन यात्रा बिना रुके चालू ही रहेगी, उसको हम स्टॉप नहीं कर रहे, हमसे हो सकेगा उसको चलाते ही रहेंगे। हम कोई सिस्टम थेरापी के विरोधी नहीं है, जब जरूरत पड़े तब एलोपैथी का भी उपयोग कर लेना चाहिए, जरूरत पड़े तो आयुर्वेद का भी लेना चाहिए। जैसी रिक्वायरमेंट, जैसी परिस्थिति, सब अपने जगह अच्छे है, सही है, ठीक है। कोई हर एक की फायदे भी है, हर एक के लिमिटेशन भी है। आप एनडीएस में जाओगे, न्यू डाइट सिस्टम में जाओ, नेचुरल डाइट में जाओ, एलोपैथी में जाओ, आयुर्वेद में जाओ, हर एक के फायदे है, हर एक के लिमिटेशन है, मर्यादाएं भी है। ये हर एक की फायदे और मर्यादा जो है, इसको संभाल के आपको हर चीज को पकड़ना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। तो हम यहाँ कोई थेरापी सिस्टम के विरोधी नहीं है, हर एक पद्धति से फायदा होता है, उसको मान देना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। तो इमरजेंसी में एलोपैथी से अच्छा कुछ नहीं है। आपको परमानेंट दवाई खानी ही है तो आप आयुर्वेद की दवाई खाते रहिए, हाँ एलोपैथी की खाओगे तो नुकसान रहेगा, वो डॉक्टर खुद कहते हैं। तो ये सब बातें को ध्यान में रह के आपके आपको आरोग्य कैसे ठीक रखना है वो देखते रहना है। दुनिया के हर व्यक्ति, चाहे कोई भी धर्म के हो, संप्रदाय के है, उनका जीवन आरोग्य में बने उसका प्रयत्न हमारा चालू रहेगा, उसमें कमी आने वाली नहीं है। हाँ, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आप बुलाओगे तो हम आएंगे, सेमिनार करेंगे और उसके लिए हम कोई स्पेशल पैकेज मांगते नहीं हैं। हर धर्म, हर संप्रदाय के अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए। हाँ, देखो ये कोरोना काल में हिंदुओं जितने कोरोना में डेथ हो गए, उतने उस टाइम मुस्लिम लोगों का डेथ नहीं हुआ था। इसका कारण यही था कि उस समय मुस्लिम लोगों का रोजा चलता था, तो रोजा के कारण वो लोग उपवास पे थे, तो उपवास था इसीलिए उन लोगों को कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि शरीर में कचरा डालना ही बंद था, तो फिर कोरोना क्या करेगा। तो ये सत्य है, उसको स्वीकारना पड़ेगा। तो हमको भी हमारे धर्म ने उपवास दिए है। ये कोरोना काल चल रहा था, इसी टाइम नवरात्रि भी चल रही थी, चैत्री नवरात्रि चल रही थी, सारे मुस्लिमों ने रोजा कर लिया लेकिन सारे हिंदुओं ने चैत्र नवरात्रि नहीं की।
तो फिर आप धर्म ने बताई बातों पे नहीं चलोगे तो भुगतना पड़ेगा, आपके शरीर में बीमारियां आएगी। धर्म काफी बीमारियों से बचने के लिए कई सिस्टम में कई नियम में बता चुके हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते हैं। तो हर धर्म और हर संप्रदाय के अच्छे विचारों को अपनाएं और देश में से जातिवाद और धर्मवाद, ज्ञातिवाद, जातिवाद खत्म हो जाए, उसके ऊपर भी हम काम करते रहे। अभी समय ऐसा नहीं है कि आप अपनी जातिवाद को पकड़ के रखो। आप अभी जहाँ जन्म लेके आप जी रहे हो, कौन जिस जाति में आप हो, जिस धर्म में हो आप, लेकिन आपके पहले का धर्म कौन सी ज्ञाति में था, कौन से धर्म में आप पहले का जन्म आपने लिया था, वो आपको पता नहीं है। और आप अब ये जन्म पूरा करके जब नया जन्म लोगे तो आप कौन से धर्म, कौन से ज्ञाति में जाओगे, वो भी आपको पता नहीं है। ठीक है, तो ये जातिवाद और धर्मवाद को नाबूद करके हम राष्ट्रवाद पे काम करें, यही मेरा आज का ये 500 एपिसोड का आपको शुभ संदेश है। हमारे 500 एपिसोड पूरा होने पर हमारे बड़ौदा सेंटर के सेंटर इंचार्ज है सुनील भाई पटेल, जो वहाँ योगाहार और एनडीएस पे मुक्त मार्गदर्शन देते हैं, और गुजरात राज्य योग बोर्ड के योग कोच भी है, वो योग टीचर्स भी तैयार करते हैं। तो उनका भी एक शुभेच्छा संदेश हमारे पे उन्होंने भेजा था, तो उनको भी सुनते हैं। नमस्कार मित्रों, वडोदरा एनडीएस सेंटर इंचार्ज और गुजरात राज्य योग बोर्ड योग कोच सुनील पटेल की ओर से आरोग्य जीवन यात्रा के 500वें एपिसोड के लिए ग्रीन डॉक्टर माननीय श्री राजेश भाई पटेल जी को ढेर सारी शुभेच्छाएं। परमात्मा की कृपा आपके यह दिव्य सामाजिक कार्य पर हमेशा बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। बड़ोड़ा में हम यही कार्य हमारे आरवी वेलनेस सेंटर के माध्यम से निजामपुरा से ये चला रहे हैं और योगाधार की सारी प्रोडक्ट और सारी प्रवृत्तियां का सेवाएं निशुल्क मार्गदर्शन पर यहाँ से हम दे रहे हैं। श्री राजेश भाई का यह काम एक ज्ञान यज्ञ जैसा है, जिसमें उन्होंने न्यू डाइट सिस्टम के हमारे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के विचारों का मंथन करके नए नए आयाम प्रदान किए हैं। समाज के सभी स्तर के लोग आसानी से एनडीएस को अपना सके और हर तरह की बीमारी में एनडीएस कैसे लाभदायी होता है, इसका एकदम सरल भाषा में मार्गदर्शन श्री राजेश भाई ने किया है। राजेश भाई के सारे एपिसोड एक रिसर्च वर्क जैसे बन गए हैं, जिसका फायदा सारे समाज के लोगों को जरूर लेना चाहिए। श्री राजेश भाई और उनकी पूरी टीम को यह मैराथन वर्क के लिए हम धन्यवाद देते हैं और उनसे हम सबको आगे भी निरंतर यह सेवाएं प्राप्त होती रहे, ऐसी प्रभु को प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सुनील भाई को भी धन्यवाद, वो भी हमारे साथ हमारी ही तरह वडोदरा बड़ोडा गुजरात में निरंतर सेवाएं देते रहते हैं, योग के साथ भी जुड़े हुए, तो ये सच्चे योगी है और अच्छा काम कर रहे हैं। तो आरोग्य जीवन यात्रा के आज के 500 एपिसोड में हमको जो हर रोज प्रतिज्ञाएं लेनी है वो तो भूलनी नहीं है। कड़वा सत्य यही है, जो रोगी नहीं है वही सबसे बड़ा योगी है। आरोग्यमय जीवन आपका बना रहे इसके लिए आपको हर रोज 5 प्रतिज्ञा करनी ही है। तो ये 5 प्रतिज्ञा आज भी दोबारा रिपीट कर लेंगे कि हम सुबह रोज योगा कसरत करेंगे, नहीं करते हैं तो सुबह का नाश्ता छोड़ देंगे, उपवास की आदत डालेंगे। मैं योगाहारी ही बनूंगा, चबा चबा के ही खाऊंगा, बिना भूख का भोजन नहीं खाऊंगा, बिना प्यास का पानी नहीं पीऊंगा। मैं रोज हरी पत्तियां, कच्ची हरी पत्तियां, चाहे जूस के रूप में चाहे चटनी के रूप में खाने में शामिल करूंगा। 50% यानी कि आधा से ज्यादा कच्चा खाऊंगा, आधा से कम पकाया खाऊंगा। गेहूं चावल की जगह लिटिल मिलेट्स का ज्यादा प्रयोग करूंगा, क्योंकि हम शहर में रहते हैं, मजदूरी नहीं करते हैं। गेहूं चावल मजदूर लोगों के लिए है, क्योंकि वो ताकत से भरा हुआ ताकत का भंडार है। और बीमारी में डेयरी प्रोडक्ट खाना बंद कर लूंगा। चौथी प्रतिज्ञा है कि मैं मेरा वजन बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा,
और लास्ट में मैं बीमार रह के और व्यसन करके मेरे फैमिली और मेरे देश पे बोझ रूप नहीं बनूंगा। तो ये पांच प्रतिज्ञा आपको हर रोज लेनी है। हमारे हर रोज एपिसोड में हम दिलवाते हैं आपको, प्रतिज्ञाएं करवाते हैं, हम खुद लेते हैं प्रतिज्ञा। तो आज का एपिसोड में आज इतनी ही बातें, कल से हमारे आगे एपिसोड में हमारी आरोग्य जीवन यात्रा चालू रहेगी और नए लोग जो हमारे एपिसोड पे जो जो अपने शुभेच्छा संदेश दे रहे उनका भी हम संदेश सुनते रहेंगे। आपको रिक्वेस्ट है कि आपको आरोग्य जीवन यात्रा में से कुछ फायदा हुआ है, आपको कुछ कहना है हमारे आरोग्य जीवन यात्रा पे, तो आप हमको एक या दो मिनट का वीडियो बना के जरूर भेजे। आपका ये वीडियो भी हम हमारे हर रोज चलने वाली आरोग्य जीवन यात्रा में लेते रहेंगे और आपके विचारों को भी लोगों तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। कल दोबारा दूसरे बातों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।